प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण कृतियों के संग्रह का विमोचन किया। इन कृतियों को 23 खंडों के सेट में सीनी विश्वनाथन ने संपादित किया है और इसमें भारती के लेखन के संस्करणों, स्पष्टीकरणों, दस्तावेजों, पृष्ठभूमि की जानकारी और दार्शनिक प्रस्तुति का विवरण भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज देश महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जन्म जयंती मना रहा है। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सुब्रमण्यम भारती ऐसे महान मनीषी थे जो कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे और उनका विजन बहुत व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया है जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। वही भारतीयता केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। उन्होंने आगे कहा है कि आज भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों के लिए और तमिलनाडु के गौरव के लिए बहुत बड़ा अवसर है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के कार्यों का, उनकी रचनाओं का प्रकाशन का एक बहुत बड़ा सेवा यज्ञ और बहुत बड़ी साधना है। साथियों, आज गीता जयंती का पावन अवसर भी है। श्री सुब्रमण्य भारती जी की गीता के प्रति गहरी आस्था थी और गीता ज्ञान को लेकर उनकी समझ भी उतनी ही गहरी थी। उन्होंने गीता का तमिल में अनुवाद किया, उसकी सरल और सुगम व्याख्या भी की और आज देखिए, आज गीता जयंती सुब्रमण्य भारती जी की जयंती और उनके कामों के प्रकाशन का संयोग एंड एक प्रकार से त्रिवेणी संगम है।